केस रिपोर्ट हुआ था महिला थाना क्षेत्र अंतर्गत, जिसमें हलीम चौक किशनगंज का घटनास्थल बताते हुए एक 30 वर्षीय महिला के द्वारा रिपोर्ट किया गया कि उनके साथ सामूहिक रूप से दुष्कर्म जो है वो किया गया है। इसमें 4 लोगों को नामजद किया गया था, तो प्राथमिकी दर्ज करते हुए एक टीम का गठन किया गया, जिसमें नेतृत्व कर रहे थे परिवीक्षमान पुलिस उपाधीक्षक सुश्री अदिति सिन्हा जी, और इसके अलावा महिला टाउन SHO और किशनगंज थाना के पदाधिकारी कुंदन सुनैना एवं DIU की टीम की सदस्य थी। तो उनके द्वारा इस घटना को कारित करने वाले 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है, और शीघ्र ही जो पीड़िता है उनका जो बयान है वो माननीय न्यायालय में लिया जाएगा, कराया जाएगा। और जो इस घटना को कारित करने में जो बोलेरो कैंपर गाड़ी का प्रयोग किया गया था उनको हार्बर करने के लिए, तो उस गाड़ी की भी बरामदगी जो है वो सुनिश्चित की गई है। ये लोग कहाँ के रहने वाले, जिसको गिरफ्तार किया गया सर? ये लोग मूल रूप से ये लोग उत्तराखंड के रहने वाले हैं, जिला हरिद्वार के रहने वाले। सर, महिला से इनका क्या रिश्ता था और किस तरह से? ये सभी अनुसंधान का विषय है। कल घटना हुआ था, 6 घंटे के अंदर जो है इस घटना का उद्भेदन और 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है, पूछताछ किया जा रहा है, साक्ष्य संकलन किया जा रहा है। तो जैसे फिर अनुसंधान में बातें सामने आएंगी आप लोगों को साझा किया।